गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग लिखने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स क्या होती है ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरी ए इज इक्वल टू ये, ठीक है, 2 2 1 1, और बी मेरी मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखाई देती है 7 1 11 2। अब मुझे अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मैं सबसे पहले, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले, मैं यहाँ पर एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, लाइटर कलर ले रहा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाऊँगा, मैं इस तरह से यहाँ पर स्पेस बना रहा हूँ। मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूँगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड कर दूंगा, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। और उसके बाद मैं यही वेक्टर को, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थी ना मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट। तो ये 2 2 और 1 2 को मैं करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली मैं यही काम किसके साथ करूँगा, 1 1 को करूँगा पहले 7 11 से डॉट, फिर 1 1 को करूँगा 1 2 से डॉट। तो जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, इसमें क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 1 को करो 7 से, फिर 1 को करो 11 से और ऐड कर दो। सिमिलरली 1 into 1 प्लस 1 into 2, ये इसको मैंने इससे कर दिया, ये वाले से, ये कॉलम से, ठीक है। और यहाँ पर आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया है, 14 प्लस 22, फिर ये हो जाएगा 7 प्लस 11, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, 22 में आप 14 जोड़ोगे तो 36 आपको मिलेगा, ठीक है, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, 11 7 18 होता है, 2 और 1 3 तो होता ही है, सबको पता है। तो ये आपकी ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है मल्टीप्लाई बाय बी, जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से इसको करते हैं तो होता क्या है कि आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई ए कितना भी बड़ा हो सकता है, बी भी कितना भी बड़ा हो सकता है। एक रूल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कि अगर आप ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हैं और ए अगर एम क्रॉस एन है तो बी को एन क्रॉस समथिंग होना पड़ेगा, एन क्रॉस के हो सकता है, एन क्रॉस कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, यानी कि इसमें जितने कॉलम हैं और इसमें जितने रोज हैं वो बराबर होना चाहिए। और उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि आप रोज का कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो कंपैटिबिलिटी जो मल्टीप्लीकेशन की है वो तभी होगी जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपके ए में हैं और नंबर ऑफ रोज जो आपकी बी में हैं वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इनको मल्टीप्लाई कर पाओगे। वरना अगर आप इनकम्पैटिबल मैट्रिसेस लेके देखोगे तो आप खुद ही देख पाओगे कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं कहूँ कि ए एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो मेरी ए है वो क्या है, वो एक एम क्रॉस एन है, और बी क्या है मेरी एन क्रॉस के है, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं एन क्रॉस के है। तो अगर मैं कहूँगा ए क्रॉस बी जो मैट्रिक्स होगी उसका आई जेथ एलिमेंट किस तरह निकलेगा, उसका एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ तो कैसे निकलेगा। देखो मैं क्या करूँगा, ये एम क्रॉस एन मेरी ए है तो मैं ए को कुछ इस तरह बना लेता हूँ, बी को इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता फॉर्मूला, रट के मैं नहीं बैठा हूँ, मैं आपके सामने ही बनाऊँगा फॉर्मूला, देखते जाओ बस। ए मैंने ये बनाई, बी मैंने ये बनाया, इसमें 1 से लेके कितने रोज हैं, एम रोज हैं, और यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 1 से लेके एन तक कॉलम्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर 1 से लेके और यहाँ पर 1 से लेके एन तक रोज हैं और 1 से लेके तक कॉलम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स के हैं इसमें, नंबर ऑफ रोज एन है, नंबर ऑफ रोज एम है, नंबर ऑफ कॉलम्स एन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से करूँगा, ठीक है। तो जो भी मेरा यहाँ पर जिस भी रो में मैं आ रहा हूँ मैं उसका पूरा वैक्टर ले लूँगा, यानी कि ये सारे कॉलम्स की वैल्यू ले लूँगा। वो कैसे मैं लूँगा, मैं कहूँगा ए की जो मेरी, मान लो मैं इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, मैं सम करूँगा इसको
और मैं कहूँगा के इज़ इक्वल टू 1 2, और ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, और मैं भी दिखाता हूँ आपको एन तक क्यों गया। ये एन तक मैं सम करूँगा क्योंकि एन वैल्यूज़ ये और ये एन वैल्यूज़, यानी कि अगर मैं इसको, ये जो मेरा फर्स्ट रो है और ये जो फर्स्ट कॉलम है, इनको सम कर रहा हूँ, तो मैं ये फर्स्ट कॉलम की सारी वैल्यूज़ और इस फर्स्ट रो की सारी वैल्यू और इस फर्स्ट कॉलम की सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे से सम करूँगा। तो मैं अभी कौन सी वैल्यू में, वो मैंने के ले लिया, तो मैं कहूँगा ए की जो भी आप निकाल लो आईथ रो, यानी कि इस केस में फर्स्ट वाली, वो सेकंड भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, जो भी वैल्यू चाहिए थी मुझे वो, और केथ कॉलम को मल्टीप्लाई करो बी के केथ रो, जो भी केथ रो है उसकी, और जेथ कॉलम, क्यों किया मैंने जेथ कॉलम को, देखो अगर मैं ए, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से कर रहा हूँ, तो मेरी फर्स्ट रो ये पूरी है जो मैंने डॉट लगाया, मान लो ये सेकंड कॉलम है मेरा, तो मैं क्या करूँगा सेकंड कॉलम की सारी रो की वैल्यूज लूँगा, देखो ये के चेंज हो रहा है यहाँ पर, और सबको ऐड मैं करता जा रहा हूँ। ये जनरलाइज फॉर्मूला मैंने लिखा है अभी, मुझे याद नहीं था, मैं बता रहा हूँ मुझे याद नहीं था, मैंने अभी बनाकर लिखा है ये, मैंने इस चीज़ को समझ के लिखा है, मुझे ये, मैं बिल्कुल भी फॉर्मूला याद करने में भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं रटा था। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये चीज़ क्योंकि बना ली है, मैं अब क्या करूँगा कि इसको प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करूँगा। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार सबसे पहले i और j की वैल्यू ले लो, यानी कि सॉरी m और n की वैल्यू ले लो, m n और k तो हमें गिवन होंगे ही ऑलरेडी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आप देखते जाओ, मैं कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है, एक लूप चलाओ, ये सब मैं लूप की सहायता से कर सकता हूँ, ये वैल्यू जो है पूरी, ये मैं लूप की सहायता से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर i इज इक्वल टू 1 to k, और मैं सम कर लूँगा इस वैल्यू को, ठीक है, और मैं ये वैल्यू i j के लिए निकालूंगा, हर i और हर j के लिए मैं ये सम निकाल लूँगा, ठीक है, a i k और b k j का सम। और एक बार मैंने ये निकाल लिया तो मैं सारे i j के लिए फॉर ऑल i j ये वैल्यू निकालूंगा और उसको अप्रोप्रिएट जगह पे रख दूंगा। जैसे कि a क्रॉस b में मान लो मेरी कितनी, a क्रॉस b का साइज़ क्या होगा, m क्रॉस k होगा, हमेशा याद रखना, ये n हटाओ और m क्रॉस k होगा, तो इसमें m रोज़ होंगी 1 से लेके m, और k इसमें कॉलम्स होंगे 1 से लेके k जाएंगे कॉलम्स इसके, ठीक है। तो इसमें अगर m रोज़ हैं, तो मैं अगर ith रो की बात कर रहा हूँ और jth कॉलम की बात कर रहा हूँ, मान लो ये i है और ये मेरा jth कॉलम है इसमें, तो इस ij की वैल्यू, अगर मैं इस एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करूं, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। तो मैं एक एक वैल्यू को फाइंड करूंगा इसमें और रख दूंगा, ठीक है, और देखो मैं प्रोग्रामेटिकली ये कैसे करूंगा, ठीक है, ये एक वैल्यू थी इसमें, तो मैं एक एक वैल्यू जो इस मैट्रिक्स के अंदर होगी उसको मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा और इसकी जगह पर रख दूंगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिख सकता हूं फाइंड वैल्यू करके, जो कि ये सब मुझे निकाल कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं यार वी एस कोड में और इसको करते हैं सॉल्व जल्दी से, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ये प्रोग्राम। सो गाइस ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, में इसके अंदर आ चुका हूँ, main.py करके बिना टाइम वेस्ट किए फाइल बनाऊंगा, और मैं main.py के अंदर अब दो मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है, एक तो ए लिखूंगा, ठीक है, और ए मैट्रिक्स में लिख देता हूँ मान लो 1 5 7, और उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आ जाएगा मान लो 4 0 2, और उसके बाद आ जाएगा क्या मेरा आ जाएगा 6 0 3, ठीक है। मैं इसको मान रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, मान लो, ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई दे रही है। और सिमिलरली मैं क्या करूँगा बी को भी लिख दूंगा ऐसे ही, ठीक है, तो बी में भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं, मान लो मैंने 1 डाली, मान लो मैंने इसको डाल दिया 5, इसको डाल दिया 2, इसको भी 2 कर देता हूँ, बस थोड़ी बदल के डाल रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, ऐसे डाल लूँ वैल्यू, इसको 7 से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ इसको। तो ए और बी मेरे पास आ गई है, 3x3 है, तो ये 3x3 है, और एक काम करते हैं इसमें सिर्फ दो कॉलम रखते हैं, इसको 3x2 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3x3 3x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना मेरे पास, वो मैं निकालूंगा प्रोग्रामेटिकली। तो मान लो मेरा जो रिजल्ट है वो सी है, ठीक है, मैं मेरा जो सी है उसका साइज़ क्या होगा, जो 3x3 है वो 3x2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3x2 आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, 3x3 है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किससे, 3x2 से हो रहा है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 3x2, ये वाला 3 लो, इसका पहला लो, इसका आखिरी लो, और इन दोनों बीच वालों को गायब कर दो, और ये बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए,
ठीक है, इनको गायब कर दो, 3x2 आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो इसको 3x2 लगा दूंगा मैं, एक काम करता हूँ ये कॉपी करता हूँ और सब में ज़ीरो भर दूंगा। इनिशियली मैं सब में ज़ीरो भर देता हूँ, बाद में इनकी वैल्यू उसको मैं इसके अंदर सटा दूंगा फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, मैं कहूँगा फॉर ऑल आई, तो फॉर मैं लिखूँगा आई इन रेंज, और फॉर आई इन रेंज क्या लिखूँगा, 1 से लेके कहाँ तक जाऊँगा मैं, मैंने आपको क्या बताया था, मैं इसको भर रहा हूँ, ठीक है, 3x2 को भर रहा हूँ, तो मैं 1 से लेके 4 तक जाऊँगा ताकि ये 1, 2, 3 आए इसकी वैल्यू। और मैं लिखूँगा फॉर जे इन रेंज, 1 से लेके कहाँ तक जाऊँगा मैं 1 से लेके जाऊँगा कहाँ तक, मैं 3 तक जाऊँगा। क्यों जाऊँगा, क्योंकि मैं 2 तक जाना चाहता हूँ इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ना थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ लेन ऑफ सी +1 +1 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 1, अगर ये 3 है तो ये 1, 2 होगा, अगर ये 4 है तो ये 1, 2, 3 होगा, तो ये चीज़ इंक्लूडिंग नहीं होती है रेंज फंक्शन में, आपको बताया ये बात। ठीक है, और ये क्या होगा, लेन ऑफ C0 +1। C0 क्या है, C0 ये है इसकी लेंथ, क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, C के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये है C के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है C के नंबर ऑफ रोज तक जा रहा है, सारी रो की वैल्यू से जा रहा है, ये 1, 2, m जा रहा है अगर इसमें m रोज हैं तो, ठीक है, और अगर इसमें k कॉलम्स हैं तो ये 1, 2, k जा रहा है, आप समझ गए पॉइंट। ठीक है, पाइथन तो आती है आपको यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतने वीडियो बना रखे हैं मैंने, भर भर के वीडियोज़ बना रखे हैं, नहीं भी आती है तो सीखना इतना आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार जो मेरा cij होने वाला है, cij इज इक्वल टू क्या होगा, cij की वैल्यू हो जाएगी सम। अभी सम क्या है, निकालते हैं सम क्या है, सम क्या है वो हम निकालेंगे। तो cij की वैल्यू हो जाएगी हमारी फॉर k इन रेंज, और k कहाँ तक जाएगा, के हमारा कहाँ तक जाएगा, के जाएगा इस कॉमन वैल्यू तक, ये जो 3 है, और ये कॉमन वैल्यू कहाँ से आएगी, कॉमन वैल्यू क्या है, ये है हमारे नंबर ऑफ रोज इन बी, तो ये जाएगा लेन ऑफ बी +1। और मैं 1 से स्टार्ट करूँगा रेंज को मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 से लेके लेन ऑफ बी +1 तक ये जाएगा। ठीक है, ये लेन ऑफ बी +1 तक जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा इसको, क्यों कर रहा हूँ मैं 0 से स्टार्ट, क्योंकि हमारी पाइथन में इंडेक्स ऑलरेडी 0 से स्टार्ट होती है, तो मैं ये +1 नहीं लिखूँगा। ठीक है, अगर आप इसको देख के कन्फ्यूज़ हो गए अभी, तो मैं फिर से बता दूँ, 0 to 9 करूँगा तब भी 10 नंबर होते हैं, 1 to 10 करूँगा तब भी 10 नंबर होते हैं, क्योंकि हमारी इंडेक्स ही यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको 0 से ही रहने देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसके अंदर एक ये लगा दिया, अब मैं कहूँगा कि जो सम है हमारा, ये जो हमारा सम है, जो cij है हमारा, उसमें क्या ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो cij, तो 0 था मेरा इनिशियली, cij में मैं क्या ऐड करूँगा, मैं cij में ऐड करूँगा aik, जो फार्मूला बताया था वही करूँगा, मल्टीप्लाई बाय bkj, और ये बताऊँगा ये क्यों काम करता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा इसके बाद, मैं वो भी बता दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी को प्रिंट कर देंगे, इतने से मेरा काम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, इनफैक्ट मैं काम करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर रो इन सी प्रिंट सी, मैंने ऐसा क्यों किया, सॉरी प्रिंट रो, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैंने सिर्फ सी को प्रिंट कर दिया तो वो एक लाइन में प्रिंट हो जाएगी, आपको मैट्रिक्स की तरह नहीं दिखेगी, इसलिए अब देखो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, और ये देखो यहाँ पर ये आ गया 21 0 14 0 और 21 0, क्या ये सही है, एक वैल्यू चेक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 और 5 कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 होता है, 1 और 5 6 होता है, और 6 प्लस 15 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 होता है, 6 और 15 21 होता है, चलो ये वैल्यू तो सही है। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चेक करते हैं, तो फर्स्ट रो आ जाएगी, सेकेंड कॉलम आ जाएगा, सेकेंड कॉलम तो सारे 0 हैं तो ये 0 ही आना है, सेकेंड कॉलम इसलिए हर केस में 0 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सॉरी मैंने गलती कर दी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो है 402, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है 14, देखते हैं 14 ही है क्या नहीं, बीच का तो 0 है, बीच का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 को 10 में मैं जोड़ दूंगा, 4 1 जो 4, 5 2 जो 10, और यहाँ पर देखो 14 आ गया। तो बहुत ही आराम से हमने एक ख़तरनाक प्रोग्राम जो है वो बना दिया है, कुल मिला के बाद ये है। ठीक है,
क्या है कुल मिला के बात? कुल मिला के बात ये है कि हमने इसको खतरनाक बना दिया है। एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार मैंने ए बी और सी की वैल्यूज़ को इनिशियली हार्ड कोड कर दिया है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ऑटोमेटिकली सी को जनरेट कर लें? कहने का मतलब ये है कि हम जीरोस की जो लिस्ट है ये ए और बी को देख कर ही जनरेट कर लें ऑटोमेटिकली। तो ए और बी कुछ भी दे दिया जाए, हम चेक कर सकते हैं उसमें ऑटोमेटिकली कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो हमारी सी है वो उसका साइज़ क्या होगा। इस केस में क्या है, 3x2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखो, जो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होंगे, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल होगा, तभी हो पाएगी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, वरना नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3x2 होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का साइज़। क्या इस चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को ये या तो मल्टीप्लाई कर दे या बता दे कि भाई ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ऐसा वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता दो नीचे, मैं बना दूंगा। आप लोग के कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत खुद भी करोगे तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना। एक प्रोग्राम आप मुझे बना के दो, ये मैंने आपको बना के दिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए अगर मेरी 3x3 है और बी जो है मेरी 3x2 है, तो मेरी जो सी होगी जो कि ए क्रॉस बी के बराबर है वो क्या होगी, 3x2 होगी, ठीक है। कैसे आया 3x2, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ ले ली, इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स ले ली, और ये बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए, 3x3 के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंपैटिबल है। आई होप कि यार ये चीज़ पसंद आई होगी आपको, और काफ़ी कमेंट आए थे टू बी ऑनेस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पे। और मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें ये पाइथन प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट में बनाया था, कहाँ गई पाइथन प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट, काफ़ी प्लेलिस्ट हो गई है, हाँ। तो मैंने ये बनाया था पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिसेस, तो इसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि एडिशन तो बहुत सिंपल है, वीडियो बनाया ही जाता है सिखाने के लिए, तो आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखो। बाकी मैं बस चाहता हूँ कि जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उसको मैं एड्रेस करूँ, तो हर चीज़ सिंपल नहीं होती है, सबका अपना अपना लेवल होता है, एंड आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मैं यहाँ पर हर तरह की रिक्वेस्ट को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस करना, इसमें बहुत मज़ेदार वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको एक्सेस करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस कर डालो पूरी इस प्लेलिस्ट को। एक काम करना आप सब लोग, इस वीडियो के ख़त्म होते ही इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और ऊपर से नीचे तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, इट्स नाउ और नेवर। अगर आपको पाइथन आता है तो ये प्लेलिस्ट आपको काफ़ी अच्छी तरह से पाइथन पे ग्रास्प देगी, एक अच्छी ग्रिप मिलेगी आपको, अच्छी पकड़ होगी आपकी लैंग्वेज पर। तो सब लोग इसको एक्सेस करो और एक्सेस करके ये वीडियोस देखो, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।